हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? आज हमारे चैनल पे जिन दो मोबाइल के दरमियान जंग, वार, युद्ध, लड़ाई और बदला होने वाला है, उनमें एक है ओप्पो और एक है सैमसंग। ओप्पो की तरफ से F15 है और सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A51 है। तो चलिए इस मुकाबले को शुरू करते हैं। और अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी नहीं, OS वर्जन की बात करें, तो ओप्पो में एंड्रॉयड 9 पाई होने वाला है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A51 में एंड्रॉयड 10 OS होने वाला है। तो भाई शुरू से ही सैमसंग OS में तो बाजी मार गया। लेकिन हम कलर OS की बात करें तो ओप्पो में कलर OS 6.1 होना है, लेकिन अपडेट के साथ आगे आ जाएगा। लेकिन जबकि UI की कलर की बात करें तो 1.2 UI होने वाला, यानी कि सैमसंग काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है यार इस प्राइस रेंज में भी। और अगर हम डिमेंशंस की बात करें तो भाई इतनी गहराई में नहीं जाते हम। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि ओप्पो F15 सैमसंग गैलेक्सी A1 से 0.2 इंच बड़ा होने वाला है, सिर्फ 0.2 इंच। चौड़ाई में एक बराबर होंगे, लंबाई में ओप्पो F15 0.2 इंच बड़ा होने वाला है। और अगर हम दोनों के वेट की बात करें तो ओप्पो F15 जो है 172 ग्राम होने वाला है, यानी कि 172 ग्राम, और जबकि A51 भी 172 ग्राम होने वाला है। वेट में तो दोनों बराबर हैं, दोनों डाइट पे लग रहे हैं मुझे। और अगर सिम की बात करें तो दोनों में डुअल सिम यूज़ होने वाली है और डुअल सिम स्टैंड बाई होंगी और दोनों सिम नैनो होंगी। और अगर हम इसी तरह कलर्स की बात करें तो ओप्पो F15 तो दो ही कलर में आने वाला है, एक लाइटनिंग ब्लैक होगा और एक यूनिकॉर्न वाइट होगा। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A51 ने तो भाई रंगीनियाँ मचा के रखी हुई हैं। इसमें प्रिज्म कलर भी होगा, क्रश ब्लैक भी होगा, वाइट, ब्लू और पिंक कलर भी होगा। तो सैमसंग की तरफ से तो भाई कलर्स में तो काफ़ी रंगीनियाँ मची हुई हैं। हम दोनों के नेटवर्क की बात करें तो भाई 3G का ज़माना तो गया और 2G तो किसी को याद भी नहीं होगी। तो दोनों में 4G अवेलेबल है, 5G का कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। 5G यार वर्ल्ड वाइड अभी तक लॉन्च नहीं हुई, नहीं तो हो सकता था कि इस रेंज में हमें 5G भी मिल जाती। अगर हम दोनों में प्रोसेसर की बात करें तो ओप्पो के मोबाइल में प्रोसेसर 2.1 GHz प्लस 2.0 GHz, चार कोर दोनों काम करेंगे, कोर्टेक्स A73 पर और कोर्टेक्स A53 पर। और ऐसे ही सैमसंग में चार कोर 2.3 GHz के A73 पर काम करेंगे और चार कोर 1.7 GHz कोर्टेक्स A31 पर काम करेंगे। तो इस तरह हम चिपसेट की बात करें तो ओप्पो टिपिकल अपना मीडिया टेक का चिपसेट यूज़ करने वाला है, मीडिया टेक हीलियो P70 जो कि 12 नैनोमीटर बेस होने वाला है, जबकि सैमसंग जो चिपसेट यूज़ कर रहा है वो अपना एक्सिनोस 9611 10 नैनोमीटर बेस वाला, जो कि ओप्पो की निस्बत काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम GPU की बात करें तो मालिस G72 यूज़ करने वाला और सैमसंग भी सेम यूज़ करने वाला है। तो GPU में दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर हम डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओप्पो F15 एमोलेड स्क्रीन यूज़ करने वाला है, जबकि सैमसंग A51 सुपर एमोलेड स्क्रीन यूज़ करने वाला है, यानी कि ओप्पो F15 की नस्बत सैमसंग गैलेक्सी A51 की स्क्रीन काफ़ी चिकनी और मस्त होगी। और जबकि हम स्क्रीन साइज़ का बात करें तो F15 6.4 इंचेस का होगा, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A51 6.5 इंचेस का होगा। अगर हम इसी तरह रेजोल्यूशन की बात करें तो 411 की PPI ओप्पो F15 में है, जो PPI ज़्यादा है पानी से बस सैमसंग के 401 के PPI हैं। और अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो ओप्पो F15 कॉर्निंग ग्रिला ग्लास 5 यूज़ करने वाला है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A51 कॉर्निंग ग्रिला ग्लास 3 यूज़ करने वाला है। तो प्रोटेक्शन के मामले में ओप्पो थोड़ा सा बेहतर है बनिस्बत सैमसंग। और एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो अब ब्राइटनेस निट्स ज़्यादा होंगे, 430 निट्स ब्राइटनेस रखेगी यह ओप्पो F15 में, यानी कि डे टाइम में भी आपको अच्छा शो हो जाएगी सारी स्क्रीन, ब्राइट नज़र आएगी बनिस्बत सैमसंग की भी बुरी नहीं है, लेकिन ओप्पो की ज़्यादा बेहतर है। तो फाइनली गाइस, अगर हम मेमोरी की रैम और मेमोरी की बात करें तो दोनों ओप्पो F15 जो है वो 8GB रैम के साथ आएगा, जबकि A51 6GB रैम के साथ आएगा। लेकिन दोनों ही 128GB की एक्सटेंडेबल मेमोरी के इंटरनल मेमोरी के साथ आएंगे। दोनों SD कार्ड को सपोर्ट करेंगे और SD कार्ड का ऑप्शन दोनों में अलग-अलग मौजूद है। लेकिन ओप्पो की जो मेमोरी है वो UFS 2.0 है, जो कि स्लाइटली सी बेटर होगी बनिस्बत सैमसंग गैलेक्सी A51 के। और अगर हम कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों भाई क्वाड कैमरा के साथ आएंगे। बैक पर ओप्पो का बैक कैमरा क्वाड कैमरा में प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड माइक्रो कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा और LED फ्लैश में जो होगा। जबकि अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A51 की तो कैमरा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आती है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेम ओप्पो की तरह है, लेकिन अल्ट्रा वाइड में 8 की बजाय 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि ज़्यादा अल्ट्रा वाइड पर प्रोवाइड करेगा। और इस तरह माइक्रो में 2 की बजाय ओप्पो के 2 की बजाय
सैमसंग A51 में 5 मेगापिक्सल का माइक्रो है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो कि डेप्थ भी ओप्पो के नस्बत ज़्यादा प्रोवाइड कर, और LED फ्लैश है, और इसके कैमरा की शेप भी एल शेप है और जो कि बनस्बत ओप्पो के ज़्यादा कूल लगती है देखने में भी। और अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो ओप्पो 16 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ करने वाला है जबकि A51 32 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई सैमसंग गैलेक्सी A51 काफ़ी आ गया है बनस्बत ओप्पो के। और अगर हम ओवरऑल बात करें भाई सेंसर डिपार्टमेंट की तो दोनों में तकरीबन सारे सेंसर मौजूद हैं, गायरो दोनों में मौजूद है, कंपास सेंसर दोनों में मौजूद है, प्रॉक्सिमिटी भी है और फिंगरप्रिंट तो दोनों में ही है और दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो कि काफ़ी कूल लगता है आज कल की टेक्नोलॉजीज़ में। बैटरी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ओप्पो 4025 mAh यूज़ करने वाला है जबकि सैमसंग 4000 mAh, दोनों के तकरीबन बराबर हैं। ये 25 mAh का कोई गेम है ओप्पो की तरफ से। अगर हम फीचर्स की बात करें इसके बैटरी के तो ओप्पो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है 20 वाट की जबकि सैमसंग करने वाला है 15 वाट की। ओप्पो ये क्लेम करता है कि 50% 30 मिनट में चार्ज होगा, देखते हैं अब क्या होता है। और इस अगर हम बात करें प्राइस की तो भाई ओप्पो अभी लांच होने वाला है और एक्सपेक्टेड यही है कि 45 से 46 हज़ार में लॉन्च होगा जबकि सैमसंग का तो पता है ना वो 54,000 में लॉन्च हो चुका है। तो देखते हैं अब ओप्पो किस प्राइस से लाता है। दोनों मोबाइल कंपेटिटिव हैं, अब देखते हैं कि बेहतर कौन सा है। और यही थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और हाँ, अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियो लाते रहें। चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।